ओके यार, 1 मिनट हम चालू करते हैं ना। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और डायपोल एंड वर्क डन। देखो, कुछ 3 4 दिन का हमारा गैप आ गया है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन दूंगा, फिर अपन चालू करेंगे टॉपिक को। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, एक दो लोग आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। देखो, मैं तुम्हें एक छोटा रिवीजन दे देता हूँ टॉपिक का। तुम्हें याद है सबसे पहले मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डायपोल, भूले तो नहीं तुम इस टॉपिक को? इलेक्ट्रिक डायपोल याद है? अगर मान लो एक चार्ज आपके पास क्यू है और मान लो एक चार्ज आपके पास माइनस क्यू है, मान लो एक चार्ज आपके पास क्यू है, एक माइनस क्यू है, और मान लो इन दोनों के बीच में दूरी है 2 वे, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? भूल तो नहीं गए? प्लीज इसको भूलना मत, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा टॉपिक है जो अपने बार बार काम आएगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? एक क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2 वे, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू 2 वे, मतलब चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। और याद है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि सर आपने डायपोल मोमेंट कैसे निकाला, हमें समझ में नहीं आया। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एंड वर्क डन। तो ये पूरा टॉपिक आज मैं तुम्हारा खत्म कर दूंगा। तो उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैं तुम्हें वापस रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहला तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक क्यू एक माइनस क्यू, और मान लो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 2 वे। तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? तो क्यू इंटू 2 वे। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये टॉपिक तुम सबको याद रखना है। जैसे तुम मुझे इसका निकाल के बताओ, सब लोग मुझे इसका डायपोल मोमेंट निकाल के बताओगे। एक मान लो 4 कूलम है, एक मान लो -4 कूलम है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी है वो मैंने 20 मीटर दे रखी है, तो आप मुझे बताओ किसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? सोचो सब, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका डायपोल मोमेंट? आपके पास एक 4 कूलम है, एक -4 कूलम है, और उन दोनों के बीच में दूरी है 20 मीटर, तो आपको बताना है कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? तो चार्ज कितना है? 4, और बीच में दूरी कितनी है? 20। तो 24 जा कितना आ गया? 80 कूलम मीटर। और डायरेक्शन कहां से कहां होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन कहां होगी? उधर की तरफ। तो ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ठीक है, एक तो मैंने तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया था। दूसरा, याद है मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। भूल तो नहीं गए? मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो उस पर नेट फोर्स कितना आता है? उस पर नेट फोर्स 0 आता है। याद है कैसे किया था मैंने ये? अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो उधर की तरफ है, और मान लो कि मैं इसमें कोई डायपोल रखता हूँ, मान लो कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है? क्यू ई। तो इस चार्ज पे उधर की तरफ लगेगा क्यू ई, क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स वही लगता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव पे पीछे की तरफ क्या लगेगा? क्यू ई। तो दोनों क्यू ई कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो आज के रिवीजन में मैंने तुम्हें दो चीजें सिखाई। पहला तो मैंने तुम्हें ये सिखाया कि डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा मैंने तुम्हें ये सिखाया, ये तुम सबकी कॉपी में लिखा हुआ है, कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है? 0। और तीसरा रिविजन है जो तुम याद रखना कि अगर तुम किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, अगर तुम किसी भी डायपोल को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, तो इस पे फोर्स उधर की तरफ लगेगा QE, इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा QE। दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपका डायपोल चलेगा नहीं, आपको डायपोल क्या करेगा? घूमेगा। तो डायपोल पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin θ। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि अगर आप किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उस पर टॉर्क कितना लगता है? पी
E साइन थीटा. P मतलब डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा का मतलब होता है P और E के बीच में एंगल कितना है. जैसे मान लो यहाँ पे आपका P का है उधर की तरफ, E का है इधर की तरफ, तो आपका एंगल कितना आ गया थीटा, तो साइन थीटा. लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है, पी ई साइन थीटा. और पी क्या होता है, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आ जाएगा साइन थीटा. और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल है. आया तुम्हें समझ में? किसी को अब तक के रिविजन में कुछ भी डाउट है तो पूछो. एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, फिर अपन डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं. सर, हाँ पूछो. सर आपने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वो वाला एक बार वापस रिपीट कर दोगे क्या? चल मैं उसका डेरिवेशन तेरे को करा दूंगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. इस क्लास के एंड में देख मेरे को टॉपिक कराने दे, टाइम बचेगा तो मैं तुम्हें वो कराई दूंगा आज, ठीक है? अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो. अगर मान लो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज है, और मान लो कि ये -2 कूलम का चार्ज है, और मान लो ये 2 कूलम का चार्ज है, और मान लो कि इनके बीच में दूरी दे रखी है 10 मीटर, और मान लो कि अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दे रखी है ऊपर की तरफ, और मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 200 न्यूटन पर कूलम, तो आपको बताना है कि इस डायपोल पर टॉर्क कितना लगेगा. सब लगाओ दिमाग कितना आएगा, एट मैक्स क्या होगा, तुम्हारा गलत ही तो होगा. ट्राई तो करो यार. टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा. चेक करो पी कितना है, चेक करो ई कितना है, चेक करो थीटा कितना है, सब पुट करो, देखो अपने आप आंसर आएगा. ट्राई करो कितना आएगा इसका आंसर. लगाओ दिमाग अभिनव भाई, लगाओ दिमाग कृष्णा, कितना आ रहा है सोचो क्या होगा. देखो टॉर्क निकालने के लिए अपने को 3 चीजें चाहिए, एक तो पी चाहिए, एक अपने को ई चाहिए, एक अपने को थीटा चाहिए. कितना आएगा अभ्या, कितना आ रहा है अनुष्का, कितना आ रहा है सोचो. पहले पी निकालो. पी क्या होता है, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो चार्ज कितना है 2, चार्ज के बीच की दूरी कितनी है 10, तो ये कितना आ गया 20 किलोमीटर, तो पी तो आ गया. ई कितना दे रखा है 200, और ध्यान से देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ऊपर की तरफ, तो ये आपका एंगल कितना है 90. तो सब वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 20 × 200, साइन 90 होता है 1, तो 4000 न्यूटन मीटर इसका आंसर है. इस तरीके से करते हैं. किसी को इसमें अब मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो यार, पूछो, क्योंकि ये तुमसे हो गया तो आज की आगे वाली क्लास तुमसे आराम से हो जाएगी. कोई डाउट है तो पूछो प्लीज यार, कोई डाउट है किसी को, गगन विदुषी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार. कृष्णा किंजल यश भाई स्वरा, नो सर, कोई डाउट नहीं किसी को, सबको समझ में आया. तो अब लिखो अपनी कॉपी में डी करके लिखना, डी का मतलब होता है डेरिवेशन. तो लिखो अपनी कॉपी में डेरिवेशन किसका है, लिखो अपनी कॉपी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल. लिखो किसका डेरिवेशन है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो टॉपिक लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो अब एक चीज तुम लोग सब ध्यान से सुनना, सब एक चीज ध्यान से सुनना. हम एक रेफरेंस लेते हैं, तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमेशा हमको एक रेफरेंस लेना पड़ता है. तुम्हें याद है तुमने 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये हाइट 0 है, अगर मान लो कोई मास यहां पे पड़ा है एच हाइट पे, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है. यही मास मान लो नीचे की तरफ पड़ा है, यही मास मान लो नीचे पड़ा है एच हाइट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -mgh होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को एक रेफरेंस लेना पड़ता है. रेफरेंस का मतलब, अच्छा यहां पे मान लो हाइट 0 है तो यहां पे mgh होगी, यहां पे -mgh होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को चूज करना पड़ता है कि चलो इस हाइट पे 0 है तो यहां पे mgh हो जाएगी. उसी तरीके से याद रखना कि इस डेरिवेशन में, किसके डेरिवेशन में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखना कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. तो अपन याद पे रेफरेंस क्या लेते हैं, अपन रेफरेंस ये लेते हैं कि अगर मान लो आपके डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो तब अपन पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो किसी और एंगल पे कितनी होगी, अब तुम सब ध्यान से सुन लो। तो एक तो अगर तुम ये रिलेशन भूल गए हो तो याद रखना, ये लास्ट ईयर आता है, टाउ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी थीटा। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, टाउ मतलब टॉर्क। लिखो अपनी कॉपी में, अगर तुम भूल गए हो तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। तो यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी और टाउ का मतलब होता है टॉर्क। तो टाउ है माइनस डी यू बाई डी थीटा। टाउ कितना है मैं तुम्हें अभी सिखाया, पी ई साइन थीटा, अभी निकालना सिखाया। टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा माइनस डी यू बाई डी थीटा। तो डी यू को अपन क्या लिख सकते हैं, आप डी थीटा को उधर भेजो, माइनस को उधर भेजो, तो माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। तो 90 डिग्री पे, तो अगर थीटा 90 है तो वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और मान लो किसी और थीटा पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी यू है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आता है यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तुम्हें ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, यू इक्वल टू कितना आया, माइनस पी ई कॉस थीटा। सेकंड चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी डायपोल मोमेंट पी को या किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पी को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उसका टॉर्क कितना होता है, पी साइन थीटा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, क्योंकि याद है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट पी ई क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ पूछो सर, आपने इंटीग्रेशन क्यों करा? क्योंकि देख, मुझे इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि मुझे डी यू दे रखा है और मुझे से यू निकालना है। तो अगर तेरे को मान ले डीएक्स दे रखा है और तुझे एक्स निकालना है, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन करके अपने को क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। पर याद रखना, अगर आपका एंगल 90 है तो वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेनी है। तो 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो किसी और एंगल थीटा पे कितनी है, मान लो किसी और एंगल थीटा पे कितनी है यू, तो यू का आंसर कितना आया, माइनस की जगह माइनस पी, पी तुम सबको निकालना आता है, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और थीटा मैंने तुम्हें सिखा रखा है पी और ई के बीच का एंगल कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में, 2 से 3 नंबर का आता है डेरिवेशन, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए तो सीधे ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क के। लिख लो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कृष्णा कोई डाउट है तो पूछो बेटा, गर्वेत कोई डाउट है तो पूछो, आभ्या देवांश पूछो, किंजल मेघना यश कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, तो ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, सॉल्व। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक -3 कूलम का चार्ज है और एक 3 कूलम का चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 6 मीटर। आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरफ है, और आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कि इस पर टॉर्क कितना है, आपको बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कृष्णा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेसिकली माइनस कॉस थीटा होता है बेटा। अपन ने साइन का इंटीग्रेशन किया ना, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इसलिए वो कॉस हो गया। अनिष्का, रेफरेंस ही मैंने ये लिया कि 90 डिग्री पे जीरो है, तो किसी और एंगल पे कितना होगा, तो किसी और एंगल पे कितना होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। चेक करो पी कितना है यार, तुम प्लीज ये मत बोलना कि सर पी निकालना नहीं आता यार। पी होता है चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो चार्ज कितना है 3, और चार्ज के बीच की दूरी कितनी है 6। तो 6 × 3 जा कितना हो गया, 18 कूलम मीटर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर की, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड यही रखी मैंने, 100 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर की है, 100 न्यूटन पर कूलम। अब ध्यान से देखो, P और E के बीच में क्या एंगल है, देखो
आपका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो आपका एक सेकंड ना, आपका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ, तो एंगल कितना है 30, तो पी कितना है 18, ई कितना है 100, और साइन 30 कितना होता है हाफ न्यूटन मीटर, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क आ गया कितना आ गया देखो, 29 जा तो कितना आया 900 न्यूटन मीटर आ गया, और यू कितना आ जाएगा माइनस, पी कितना है 18, ई कितना है 100, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 29 जा तो ये आया तुम्हारा −900√3 जूल। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या लगाना जूल, और टॉर्क की क्या लगाना न्यूटन मीटर, लिख लो अपनी कॉपी में, और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर यू पॉजिटिव हो सकता है क्या? हाँ यू पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी डाउट है तो पूछो। डाउट गर्वित भाई, डाउट है अभिनव भाई, कृष्णा कोई डाउट है तो पूछो, स्वरा विदुषी, सब फॉर्मूले का गेम है, कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है देखो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, तो क्वेश्चन है ये कि मान लो कि आपके पास एक 6 कूलम यहां पड़ा है, -6 कूलम, और मान लो एक 6 कूलम यहां पड़ा है, और मान लो कि इनके बीच की दूरी आपको 10 मीटर दे रखी है, ठीक है, और सपोज करो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सपोज करो 200 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, तो आप सबको मुझे बताना है कि इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ सो दिमाग कितना होगा, चेक करो किंजल कितना आ रहा है, पी कितना आ रहा है निकाल, ई कितना दे रखा है निकाल, और थीटा कितना दे रखा है, तीनों निकालो, और उसके बाद यू का फॉर्मूला क्या होता है −PE cos θ, फिर सब अपने को यहां पे पुट करना है, चेक करो पी कितना है, पी का मतलब होता है चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो 610 जा कितना हो जाएगा 60 कूलम मीटर, ई कितना दे रखा है 200 न्यूटन पर कूलम, और तीसरा अब तुम ध्यान से देखना, तो आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है उधर की तरफ, तो एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा −P की जगह 60, E की जगह 200, और cos 0 कितना होता है 1, तो 6 × 12, तो आपका आंसर आया −12,000 जूल, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है कृष्णा बेटा, कोई डाउट है किंजल, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे यार। क्योंकि इसके साथ मैं तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक खत्म कर रहा हूं, फिर मैं वर्क डन पे जा रहा हूं, तो कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। थीटा 0 के लिए स्वरा, थीटा का मतलब होता है पी और ई के बीच का एंगल कितना है, देख ध्यान से देख, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, देख तेरा पी भी इधर है तेरा ई भी इधर है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, और पूछो यार प्लीज पूछो। ठीक है कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ू मैं, स्वरा देखो क्लियर हुआ कैसे हुआ, 0 की नहीं क्लियर हुआ, ओके तो कोई डाउट नहीं है तो अब आगे बढ़ते हम लोग, लिखो टॉपिक, लिखो डेरिवेशन है ये, टॉपिक लिखो वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मान लो मुझे किसी डायपोल को रोटेट करना है
तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और मान लो कोई डायपोल आपका ऐसे पड़ा हुआ है और मान लो पहले एंगल थीटा वन है या थीटा इनिशियल है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल। मान लो कि मुझे इस डायपोल को रोटेट करना है और मान लो कि मुझे रोटेट इस तरीके से करना है कि मान लो कि बाद में जो आपका डायपोल है वो एंगल बना रहा है थीटा एफ, तो पहले कितना एंगल था थीटा है, अब कितना है थीटा एफ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा एफ। तो याद रखना वर्क डन का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो कि आपको अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, देखो रोटेट करने से पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लो, रोटेट करने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लो, और वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो तो फाइनल कितनी है, माइनस पीई कॉस थीटा एफ, इनिशियल कितनी है, माइनस पीई कॉस थीटा आई, तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो आप, क्योंकि फिर अगला न्यूमेरिकल तुम्हें ही सॉल्व करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें निकालना आता है तो बस वर्क कैसे निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करके, लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि वर्क डन बेसिकली होता क्या है, देखो अगर आप किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हो ना तो थोड़ी उसकी काइनेटिक चेंज करती है, थोड़ी उसकी पोटेंशियल चेंज करती है। यहाँ पे काइनेटिक की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मतलब मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि डायपोल घूम रहा है, मैंने सिर्फ ये बोला कि डायपोल ऐसे पड़ा है इसको घुमा के ऐसे कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो जीरो है, तो आप जो भी वर्क करोगे वो किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल में, तो वर्क डन क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो अपनी कॉपी में। इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। यश कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और आपको दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम, और मान लो आपका कोई डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है और मान लो आपको डायपोल मोमेंट दे रखा है 10 कूलम मीटर, और मान लो कि आपको डायपोल को रोटेट करके इस तरीके से करना है, आपको डायपोल को रोटेट करना है और आपको डायपोल को इस तरीके से करना है, तो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब ये आपका फर्स्ट कंफिग्रेशन है, ये आपका सेकेंड कंफिग्रेशन है, तो यहां पे मुझे डायपोल को रोटेट करके इस तरीके से रखना है, तो आपको बताना है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले आप यूआई निकालो, फिर आप यूएफ निकालो, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सब लोग दिमाग लगाओ यार, तुम सबको चीजें याद हो जाएगी, तुम क्वेश्चन करोगे तो करो, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है सोचो सब लोग। मेघना कितना आ रहा है, मेघना एकदम शांत है। किंजल कितना आ रहा है, ध्रुव, गगन, आभ्या, अभिनव, यू इनिशियल तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस पी ई कॉस थीटा आए, यार अब दिक्कत क्या है कि शुरू में तो एंगल ही 90 है, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो इनिशियल तो कितना आ गया जीरो। अब यू फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा एफ, तो P कितना दे रखा है 10, E कितना दे रखा है 10, और ध्यान से देखो आपका P भी इधर है, आपका E भी इधर है, तो cos 0 कितना होगा 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 100 जूल, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस 100 माइनस 0, तो माइनस 100 जूल आपका वर्क आएगा। तो अगर आप वहां पे 100 पे टिक करके आए तो बेटा तुम्हारे नंबर आएंगे 0, कितने आएंगे 0, कितने आ जाएंगे बेटा 0 नंबर आएंगे, ठीक है। तो यू इनिशियल 0 है, यू फाइनल माइनस 100 है, तो वर्क क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो माइनस 100 जूल आपका आंसर।
कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसका। कोई डाउट है किसी को तो क्लियर करो। आभ्या मैडम कोई डाउट है, अभिनव भाई कोई डाउट है पूछो। स्वरा क्लियर हुआ कि डाउट है? ओके सर जी, अगर तुम में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। तो डायपोल के स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लिखो अपनी कॉपी में स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, अगर मैं इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करता हूं ना, कौन सा वर्ड, अगर मैं इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करता हूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। अब अपने इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ खास बात पता है क्या है कि अपने इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स तो हमेशा ही क्या रहता है, जीरो रहता है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो थोड़ी रहता है, क्योंकि नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा। तो ध्यान से लिखो अपनी कॉपी में, लिखो टॉपिक, लिखो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनना, देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे एक तो आपका नेट फोर्स जीरो होता है, तो यार नेट फोर्स तो मैंने तुम्हें क्या बोला हमेशा ही जीरो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए आपका नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। और नेट टॉर्क जीरो दो एंगल पे होता है, एक होता है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे, एक होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है। तो देखो इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है तो अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो दो एंगल पे होता है, एक जीरो डिग्री पे एक 180 डिग्री पे। तो जब थीटा जीरो है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस पी ई कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो माइनस पी ई। और जब थीटा 180 है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस पी ई कॉस 180। और तुम में से अगर नहीं पता है तो कॉस 180 माइनस वन होता है, तो माइनस पी ई इंटू माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस पी ई। याद रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, आपका जो डायपोल होता है ना, डायपोल पे नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होता है, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अब भैया फोर्स तो हमेशा ही जीरो है, टेंशन ही नहीं है, लेकिन टॉर्क खाली दो एंगल पे जीरो होता है, एक जीरो डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। तो जीरो डिग्री पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस पी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पी और ई आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि थीटा जीरो है, और यही आपका थीटा 180 है, तो कॉस 180 माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, प्लस पी ई। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आपका P और E जो होता है ना वो अपोजिट होता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 180, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। लिख लो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे जो चार्ट बना हुआ है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम में कब रहता है, तो आपको बोलना है देख भाई नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है तो उसकी टेंशन नहीं है, इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो टॉर्क खाली दो ही एंगल पे जीरो होता है, एक तो जीरो डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। तो जीरो डिग्री पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें तुम में से किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किंजल बेटा कहाँ डाउट है पूछ मुझे। किंजल हाँ पूछो। स्टेबल और अनस्टेबल क्यों बोला? देख मेघना, अगर तेरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना,
इसका मतलब अपना जो सिस्टम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जैसे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और मैं डायपोल को अगर थोड़ा मोड़ूंगा ना तो छोड़ने पर डायपोल वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जैसे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट इधर है, तो अगर मैं डायपोल को थोड़ा भी मोड़ूंगा ना तो वो अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो घूम के ऐसे हो जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर आप सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करो ना तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है, अगर तुम सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब करो ना तो वो अपनी जगह पे नहीं आता, इसलिए यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल वर्ड यूज किया। ओके सर, और पूछो क्या पूछना है। तो कोई तुम्हें पूछे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पी और ई पैरेलल होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पी और ई एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है दोनों अपोजिट होते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन है ये, एक आपके पास 5 कूलम है, एक आपके पास -5 कूलम है और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 मीटर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। 5 कूलम, -5 कूलम और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, 5 कूलम, -5 कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, 5 कूलम, -5 कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, 5 कूलम, -5 कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। इन विच कॉन्फ़िगरेशन कॉमा डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। लगाओ सब दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो सब। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पी और ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अनस्टेबल का मतलब है कि पी और ई दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट है। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। देखो पहले केस में तो आपका पी इधर है, आपका ई उधर है, तो ये अनस्टेबल है। दूसरे केस में आपका जो पी है वो इधर की तरफ है पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में पी इधर है, ये भी नहीं हो सकता। और चौथे केस में आपका पी भी इधर है, आपका ई भी इधर है। इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। नहीं आया समझ में कि आ गया, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो यार। तो याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा कितना होता है, 0, अनस्टेबल मतलब थीटा कितना होता है, 180। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ये तो आज का लास्ट टॉपिक, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी कर लिया अपन ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो मान लो कि आपके पास कोई डायपोल पड़ा है जिसका डायपोल मोमेंट पी है, और मान लो कि इसके सेंटर से आर दूरी पे एक कोई पॉइंट है पी, और मान लो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण सेंटर से आर दूरी पे मान लो कोई पॉइंट है पी और मान लो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹, जो तुम्हें पता है। p की वैल्यू क्या है, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, थीटा, ये रहा थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, p और r के बीच का एंगल, r मतलब ये वाला वेक्टर और r मतलब डायपोल के सेंटर से आपका पॉइंट कितना दूर है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। k की वैल्यू 9 × 10⁹,
पी होता है चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, आर मतलब आपका पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, थीटा मतलब पी और आर के बीच का एंगल कितना है, लिख लो अपनी कॉपी में। चलिए एक बार डायग्राम आपको समझा दो ना कौन सा डायग्राम? सर, ये वाला आपने फॉर्मूला बनाया ना इसके अंदर से, वो वाला। एक बार वापस कर देता हूँ, तो अगली साइड में करता हूँ। मान ले कि तेरे पास ये कोई डायपोल पड़ा हुआ है, मान ले कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे क्यू है, और मान ले कि ये ए है, ये ए है, ये इसका मिड पॉइंट है, और मान ले मुझे इसके सेंटर से आर दूरी पे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, और मान ले मुझे ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से देख, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू तो अपने को पता है 9 × 10⁻¹, पी तुम निकाल ही लोगे, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, आर का मतलब है कि डायपोल के सेंटर से आपका पॉइंट कितना दूर है, डायपोल के सेंटर से, और थीटा मतलब पी और आर के बीच में कितना एंगल है। तो देखिए डायपोल मोमेंट तो इधर की तरफ हो जाएगा पी, और आर तेरा ये वाला वेक्टर है, डायपोल के सेंटर से पॉइंट को जॉइन करने वाला वेक्टर, तो ये वाला एंगल कितना है थीटा। ओके सर, लिख लो अपनी कॉपी में एक बार, ठीक है, जिसे इसका एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन मान लो मैं देता हूं तुम्हें, ये सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे एक 10 कूलम है, मान लो यहाँ पे एक -10 कूलम है, और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जो डायपोल के सेंटर से 200 मीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है, और मान लो तुम्हें दे रखा है कि ये दूरी 10 मीटर है, ये दूरी 10 मीटर है, और आपको ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना है। तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के है अपने पास 9 × 10⁹, पी है अपने पास चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, चार्ज 10 है और दोनों के बीच में दूरी कितनी है 10 10 10 20। अब देखो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट आपका पॉइंट उधर की तरफ है, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, और नीचे आर का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर, और वोल्ट में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, तो ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। तो ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डायपोल, इसके साथ तुम्हारी ये यूनिट पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास अपनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो अपनी सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट अब खत्म होती है, जिसका वेटेज अराउंड 20 से 22% है। और कुछ पूछना है तो पूछो। तो वो फॉर्मूला आपको डिराइव बताना था ना, कौन सा वाला फॉर्मूला? C=kεoA/d। हाँ ये कैपेसिटेंस वाला ना, देख गगन याद है मैं तुझे एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर मान ले अपना कैपेसिटेंस है, और मान ले कि इसमें पूरे में डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, मान ले डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मान ले इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो इस डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन हो जाएगी। तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, और पहले से के था, पहले से एप्सिलॉन था, फिर याद है मैंने क्या सिखाया था, वी को अपन क्या लिखते हैं, ए इंटू डी, तो वी को अपन लिख सकते हैं क्यू बाय सी, ई को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तेरा क्यू से क्यू गया, रेसिप्रोकल ले तो देख कितना आया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके सर, और पूछो, और तुम्हारे कोई भी डाउट्स है तो तुम मुझे भेज सकते हो, है ना। आज की क्लास का क्विज